अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायलॉग्स का दावत आने होस्ट मुश्ताक राजपूत। नाज़रीन असान अज प्रोग्राम दावत नी है पाकिस्तान जे नाम और इकोनॉमिस्ट एंड सोशल साइंसेस एस अकबर जेदी साहब के पाण तमाम घणन किताबन जे लेखक कयन कराची यूनिवर्सिटी जे एक शोब में 15 सालन ताई पढ़ाईंदा रहया आहिनि। आजकल रिसर्च कनि था ऐं ताज़ा किताब बि आहिनि। जेदी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत खुश आमदीद आपको इस प्रोग्राम में। मईशत बुनियादी मौजू होगा जैसे हम पे हम आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो अर्थक्वेक आया उसके बाद जो रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है और हुकूमत पाकिस्तान ने एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई, कहा जाता है कि 6 अरब डॉलर उनको मिले, आप क्या समझते हैं कि ये जो पैसे इतने सारे हुकूमत पाकिस्तान को मिले हैं इससे वाकई रिकन्स्ट्रक्शन होगी? पहली बात तो ये, इनको पैसे मिले नहीं है, ये वादे किए गए, ये कहा गया कि ये दिए जाएंगे। और वादे जैसे पाकिस्तान के हुक्मरान पूरा नहीं करते, ऐसे दुनिया के और मुल्कों के जो हुक्मरान हैं वो भी पूरा नहीं करते। अक्सर ऐसे होता है कि कॉन्फ्रेंस, जब अफगानिस्तान का मसला चल रहा था सन 2000 में, 2001 में, 2002 में, उसके बाद बर्लिन में कॉन्फ्रेंस हुई थी तो कहा गया था कि 10 बिलियन डॉलर आएंगे, उनमें से कोई 3 बिलियन डॉलर आए थे। अच्छा। तो पहली बात तो ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो ऐलान करते हैं लोग कि इतने पैसे देंगे, मुल्क करते हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज़ वगैरह करती हैं, उसके पूरे पैसे आते नहीं हैं, वादे होते हैं। और उसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो जाते हैं, जिसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह हो जाते हैं, कि जो फुल अमाउंट प्रॉमिस होती है वो भी उससे भी कम मिलता है। पहली बात तो ये। अच्छा। दूसरी है कि अभी तक शायद, अब जो अंदाज़ा है उसके बाद शायद 1 बिलियन डॉलर भी नहीं आए हैं, उम्मीद है कि इससे ज़्यादा आएंगे। और 6 बिलियन अगर प्रॉमिस किया गया है तो शायद हो सकता है 2 आ जाएँ 2.5 आ जाएँ, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि 6 बिलियन डॉलर आएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, कुछ लोगों ने जिन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो पैसे देंगे वो आज नहीं देने वाले, 1-2 सालों के बाद देंगे। तीसरी चीज़ है जो मेरे ख्याल है इस मुल्क में जो सबसे अहम बात है जो कहने की ज़रूरत पड़ती है, जो आम तौर पर लोग भूल जाते हैं, आम जो अखबार पढ़ते हैं या टीवी पे वो देखते हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि IMF, वर्ल्ड बैंक या जापान या मुख्तलिफ ममालिक या अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वो हमें पैसे दे रहा है। इनमें से बहुत सारी जो जिसको इमदाद या मदद जो आती है ये लोन के तौर पर आती है, कर्ज़े के तौर पर आती है, और ये कर्ज़ा वापस देना होता है। और इसी, ये जो 6 बिलियन का जो फिगर लोग कोट कर रहे हैं, इसी में से जो प्रॉमिस हुआ है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे 60% हिस्सा जो है वो कर्ज़ों का है, तो कर्ज़े वापस करने पड़ेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत अहम है समझने के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं असल चीज़ पे, क्या अगर ये पैसे आ जाते हैं क्या ये इस्तेमाल होंगे, क्या हमें इसकी ज़रूरत है, क्या है? अब देखिए, हम तो ये कहते आए हैं कि भाई हमें काम भीख नहीं मांगते, हमारी जो हुकूमत है इस्लामाबाद में, फौजी सियासी हुकूमत जो है वो कहती है हम भीख नहीं मांगते, कशकोल तोड़ दिया, हमें ज़रूरत नहीं, हमारे पास 12 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, तो हम क्यों जा रहे हैं लोगों के पास, ये कर्ज़े क्यों ले रहे हैं मज़ीद? ये कर्ज़े आप और मैं देंगे, जो टैक्स देते हैं हम लोग टैक्स देंगे, ये हुक्मरान तो आमतौर पर बच जाते हैं, वो टैक्स वैक्स कम देते हैं, पता है वो उन पर बोझ नहीं होगा, आम लोगों पर बोझ होगा कर्ज़ों का। एक तरफ तो हम कह रहे हैं हमने सारे कर्जे अब हम नहीं देंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाएंगे, वर्ल्ड बैंक हमें कर्जे दे रहा है, इसमें जो सो कॉल्ड इमदाद है वो कर्जों के तौर पर जी, इट्स अ लोन, इट्स नॉट अ ग्रांट। अच्छा, तो हम अपनी बात से वापस आ गए कि भाई हम कर्जे नहीं लेंगे, आप कर्जे लेने लग गए हमारे पास, जबकि 12 बिलियन डॉलर रिजर्व भी है। मज़े की बात यह है कि जिस तरह का आवाम का रिस्पॉन्स हुआ है इस जलजले के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने छोटे 10 रुपए से लेके 1 लाख या जितने भी जो लोग दे सकते हैं, अशिया दे सकते हैं, बहुत लोगों ने मदद की है, बहुत ज़्यादा मदद की है, ट्रक्स पे ट्रक्स गए हैं, फिर लोग गए हैं, वॉलंटियर्स वगैरह ने बहुत मदद की है। तो हुआ ये है कि जो नुकसान हुआ है, जानी नुकसान के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, सड़कें वगैरह जिसका नुकसान हुआ है, तो उसकी बहुत बड़ी इमदाद जो है उसमें लोगों ने खुद अपने जेब से पैसे दिए, तो ये हुकूमत पे बोझ नहीं होगा। अच्छा, अब डर ये है कि हमारे मुल्क में फ़ौजी हुकूमत है, आप माने या ना माने है फ़ौजी हुकूमत, हमारा सदर वो है, चीफ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ है, चाहे वो अपने आप को प्रेसिडेंट कहे या वो या चीफ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ कहे, ही इज़ अ प्रेसिडेंट हु वेयर्स अ मिलिट्री यूनिफॉर्म, दिस इज़ अ मिलिट्री, दिस इज़ अ कंट्री रूल्ड बाई द मिलिट्री, ये हमें समझना चाहिए। उसमें और तरीके, दूसरे लेयर्स जो हैं, जो असम्बलीज वगैरह हैं, वो ज़रा फ़र्क तरह की हैं, लेकिन दिस इज़ अ मिलिट्री गवर्नमेंट। अब मसला ये हो जाता है कि जब 6 बिलियन डॉलर आते हैं, अब हमारे मुल्क में किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं होती,
अब ये नहीं मालूम कि उस 6 बिलियन में से GHQ की तरफ कितने जाएंगे, नया जो GHQ बन रहा है, हम इसे F-16 खरीदेंगे या हम साब खरीदेंगे या हम क्या करेंगे, हमारे मुल्क में या डैम बनाएंगे या डैम बनाएंगे और पता नहीं कौन सा बनाएंगे, भाषा या कालाबाग, और फिर उसके जो असरात हैं वो अलग है। Is it really something in that? मतलब ये जो कहा जाता है कि इस पैसे को यहाँ वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें जो है जो पैसे दिए जाते हैं वो दिया तो जाता है फॉर रिहैबिलिटेशन एंड रिलीफ ऑफ फॉर अ डिज़ास्टर, यानी जो अर्थक्वेक के इलाका है उस पर खर्च होना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, तो अकाउंट्स ख़ास तौर पर, और जब फौजी हुकूमत होती है फौज के अकाउंट्स जो हैं वो आवाम के सामने नहीं होते, डिफेंस बजट का हमें नहीं पता चलता, तो ये एक बहुत बड़ा बड़ा मसला है। अगर इस मुल्क में वाकई हकीकी जमहूरियत होती कि जैसे आप देखें ऑपोजिशन क्यों नहीं इसमें हिस्सा ले रही, जो जो कमिटीज़ बनी है उसमें एक्टिव रोल नहीं अदा करी, वो उसको डर ये है कि फ़ौज की हुक्मरानी की वजह से उसको इख्तियार नहीं होगा कि वो ये इशूज़ डिबेट करें, और जब तक अगरचे हमारे पास एक नीम जमहूरी निज़ाम है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अच्छी मनजी हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, जब तक वो नहीं शामिल हो जाएंगे इस मॉनिटर करेंगे कि ये पैसा जितना भी आए चाहे वो $10 हो चाहे 10 अरब हो या जितने भी हो, जब तक वो उसका हिसाब किताब क्या है, और डर ये है कि इसका हिसाब किताब नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि अक्सर ऐसे वक्तों पर हुकूमत को स्ट्रेंथन भी किया जाता है। अगर देखिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, वसाइल से मतलब ये नहीं कि मिनरल रिसोर्सेज, वसाइल का मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मेरा ख्याल है जब आपके पास 12 बिलियन डॉलर्स हैं वो किस दिन काम आएंगे, आपके पास जो रिजर्व वो रिजर्व जिस तरह इंडिया के पास भी हैं, चाइना के पास भी, लेकिन क्या इन द टाइम ऑफ क्राइसिस वो वहाँ से निकाले जा सकते हैं? मजे की बात यह है जब सुनामी का हुआ था इंडिया में, इंडिया ने दो तीन चीज़ें की, उन्होंने कहा था कि हमें कोई इमदाद नहीं चाहिए, वी डू नॉट वॉन्ट एनी फॉरन एड, क्योंकि हम हमारे पास अपने ज़खायर हैं हम उसको इस्तेमाल करेंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो 12 बिलियन डॉलर हैं उसमें से 2-3-4 बिलियन डॉलर इस्तेमाल किए जा सकते थे। मज़ीद ये 8 अक्टूबर को ये वाक़या होता है, GHQ की नई नई बिल्डिंग बनाई जा रही है इस्लामाबाद में, शिफ्ट किया जा रहा है, उसके कितने अखराजात होंगे किस तरह से आएंगे ये हमें नहीं मालूम, ये वो डिफेंस बजट के का सारा सिलसिला छुपा है। उसके बाद ये कहा जाता है कि पाकिस्तान स्वीडन से साब वो ख़रीदेगा एयरक्राफ्ट, 6 एयरक्राफ्ट विच विल कॉस्ट $1 बिलियन, दिस इज़ आफ्टर द अर्थक्वेक ये अनाउंस होता है, तो पाकिस्तान इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज हैं। मेरा ख्याल है कि हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, जो लोग मदद करना चाहते हैं ज़रूर दें, पैसे ज़रूर दें, चाहे जिस जो भी मुल्क हो मदद करना, लेकिन हमें ग्रांट्स और हमें लोन्स की ज़रूरत नहीं है। राइट जरी साहब, अब हम आते हैं आपका जो बुनियादी मौजू है पाकिस्तान की मईशत, उसके हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले 2-3 सालों में बहुत चेंज नज़र आती है पाकिस्तान की मईशत, बज़ाहिर जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स आती हैं, बजट डॉक्यूमेंट्स जो आते हैं, GDP बढ़ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अगर आप 90s के कंपेरिजन में देखें तो आज ज़्यादा है, तो ओवरऑल एक जो लुक है इकोनॉमी का वो बड़ा पॉजिटिव नज़र आता है, आप इस तरह इसको किस तरह देखते हैं? मैं ये कहूँगा कि जो आदाद व शुमार है, नंबर्स आर वेरी पॉजिटिव, आप ग्रोथ रेट देख लें, 6-6.5%, आप एक्सचेंज रेट देख लें पाकिस्तान के रुपए, इट्स वेरी स्टेबल, 59-60 के दरमियान है, आप बेसिक जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग देख लें, इन्वेस्टमेंट देख लें, जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं जो कागज़ पे लिखे जाते हैं वो बहुत अच्छे हैं। इससे ये वाजे होता है, जाहिर स्टॉक एक्सचेंज 9,000 से ऊपर चला गया, इससे ये लगता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी। मैं कहूँगा कि हाँ बेहतर हुई है, देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन अब हम आ जाते हैं कि अच्छा सो वॉट, अगर ये नंबर्स आर बेटर इसका फ़ायदा क्या हुआ है, कितने लोगों को रोज़गार मिला है, कितने लोगों की जो गुर्बत की सतह जो है पाकिस्तान में 1/3, हर तीसरा आदमी गुर्बत की सतह से नीचे रहता है, और वो गुर्बत की सतह ये नहीं है कि वो मोटरसाइकिल नहीं ले सकता या गाड़ी नहीं ले सकता, गुर्बत की सतह है तकरीबन 1,000 रुपये महीना, तो कोई कितने 5 करोड़ पाकिस्तान के बंदे आवाम इस हालत में रहते हैं कि 5,000-6,000 की आमदनी उनकी नहीं होती पूरे कुंबे की फैमिली की, तो ये जो हम देखते हैं ग्रोथ रेट इतना हो गया, इन्वेस्टमेंट इतना हो गया, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, ये इसका फ़ायदा क्या है? मेरा ये ख्याल है और जो आदाद शुमार बताते कि पाकिस्तान में इनइक्वालिटी बढ़ी है। अच्छा। जो ये जो जो जिनके पास मिडिल क्लास है, जिनके पास पैसा है, उनके पास और पैसा आया, ये जो पिज़्ज़ा हट और मैकडोनल्ड्स जाने वाली क्लास है उसके पास पैसा आया है, जो गरीब लोग हैं उनके पास और कम है। आप देखें तेल की कीमत कोई 5-6 गुना बढ़ी है पिछले 7-8 साल में, और तेल की जब पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है तो सब चीज़ की, बिजली और मुख्तलिफ अशिया की, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सबकी कीमत बढ़ती है, तो उन लोगों की आमदनी इतनी नहीं बढ़ी जितनी ये प्राइसेस बढ़ी है।
जिन लोगों की आमदनी बढ़ी है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा आप इसमें कोई शक नहीं कि आप कराची की, लाहौर की, बड़े शहरों की, सिंध के किसी शहर में चले जाएं, आपको नई गाड़ियां ज़्यादा नज़र आएंगी। लेकिन आपको ऐसे भी लोग नज़र आएंगे जिनके पास अभी तक खाने पीने के लिए नहीं, ख़ासतौर पर सिंध में, रूरल एरियाज़ में, सिंध के छोटे शहरों में। ये जो तफरीक बढ़ी है शहरों के दरमियान और देही इलाकों के दरमियान, हमारे जो मेट्रोपोलिस हैं, 7-8 बड़े ऐसे शहर हैं 1 मिलियन से, जिनकी आबादी से ज़्यादा है, उनमें शायद हो सकता है कि कुछ तबकों की आमदनी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लेकिन आम शहरी, आम शख्स जो है, आम पाकिस्तानी, वो अभी तक उतना ही तंग है और शायद और ज़्यादा तंग हो। क्योंकि इस इकोनॉमी में जब हम ये कहते हैं कि जी मईशत सही है, पॉजिटिव जा रही है, इम्प्रूव हो रही है, इसका लोगों की डेवलपमेंट से ताल्लुक नहीं होता। नहीं, होना तो चाहिए। ये जो जो है, आप देखें, आमदनी बढ़ी है लोगों की, ग्रोथ रेट हमारा बढ़ा है, लेकिन हमारा जो टैक्स जो कलेक्ट होता है, टैक्स टू GDP रेशियो एक होता है कि जो हमारी पूरी कुल कौमी पैदावार है, पाकिस्तान की पैदावार, उसमें से जो टैक्स का जो हिस्सा है वो कम होता जा रहा है, तो लोग टैक्स नहीं दे रहे। आप टैक्स चोरी आप रोकें, आप ऐसे शोबों पे टैक्स लगाएं जो फिर डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकें। दो तीन चीज़ें हुई हैं पिछले 3-4 साल में। वो ये है कि 9/11 के वाक़े के बाद हमारी हुकूमत को, फ़ौजी हुकूमत को, बहुत छूट मिली है। डेट रिस्ट्रक्चर, पाकिस्तान पे कर्ज़ा बहुत ज़्यादा था, $35 बिलियन का था, उसमें काफ़ी छूट मिली है। लेकिन वो पैसा जो खर्च हो सकता था तालीम पर, पानी पर, सेहत पर, वो उस मकदार से नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो डेवलपमेंट का जो मतलब है वो ये है कि ये पैसे जो हुकूमत के पास हैं, जो जमा करते हैं, जो उनको कर्ज़ों में मिलते आए हैं, जो उनके पास हैं, वो उनको ऐसे शोबों पे लगाना चाहिए, और अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो। प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ हुई है, प्राइवेट सेक्टर जो सड़कें और स्कूल और हस्पताल और ये पानी और बिजली इस चीज़ों में नहीं लगाते, वो अपने प्रॉफिट्स वगैरह वो बनाते हैं ज़्यादा। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस है जो मेरे ख्याल से उभर रहा है, सोशल क्राइसिस। इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, प्रोग्रेस कुछ लोगों का, कुछ खित्ते का, कुछ शहरों का हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के बुनियादी जो मसाइल हैं आवाम के, वो अपनी जगह बरकरार। नाज़रीन असां जी ॻाल्हि ॿोल्हि जारी आहे, असीं वारो नंढी ब्रेक, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाजरीन। लेकिन साहब, एक जनरल परसेप्शन पाई जाती है कि जब भी पाकिस्तान में फौजी हुकूमतें होती हैं तब मईशत बेहतर परफॉर्म करती है, मईशत बहुत बढ़ती है। जब सिविलियन डेमोक्रेटिक सो कॉल जो भी आप उनको कहें वो हुकूमतें होती हैं तो जो इकोनॉमी है परफॉर्म सही नहीं करती। या मिथ है, रियलिटी आप समझते हैं? नहीं, देखिए, इसमें एक तरफ तो आप देख सकते हैं, आप अयूब खान का पीरियड देखें, ज़ियाउल हक का पीरियड देखें, आप मुशर्रफ का पीरियड देखें, उसमें आप ये देखेंगे कि हमारी ग्रोथ रेट बेहतर हुई है। अब लेकिन उसके बहुत सारी वजूहत भी हैं। वो लेन देन का नाम होता है कि भाई ठीक है, आज हमारी हुकूमत है, कल किसी और पार्टी की होगी, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, आप अंधाधुंध अपनी पॉलिसीज़ नहीं फॉलो कर सकते, मुख्तलिफ आपको लोगों का ख्याल भी रखना पड़ता है, आपको ऐसे सेक्टर्स पे भी खर्च करना पड़ता है जहाँ पे, क्योंकि आपको वोट लेने जाने पड़ते हैं। अगर आप देही इलाकों में, गांव में अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेंगे, रूरल एरिया पे नहीं खर्च करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। वोट बैंक वहाँ से बहुत, ख़ासतौर पर सिंध, बलोचिस्तान के इलाकों में, पंजाब में भी बहुत बड़ा वोट बैंक आपका रूरल है, दैट मैटर्स अ ग्रेट डील, उन पर आपको खर्च करना पड़ेगा। जब जमहूरियत नहीं होती है तो आपको इन चीज़ों की परवाह नहीं होती। आप फौजी हुकूमत को कोई परवाह नहीं होनी चाहिए कि ग्रो, वो लिटरेसी रेट क्या है, उनको क्या, वो चाहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। एक चीज़ जिसको वो बार बार दोहराते हैं, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी तो होती है लेकिन एट अ वेरी हाई सोशल कॉस्ट। अगर हम देखें, हिस्टोरिकली देखें, तो ज़ियाउल हक, अयूब खान एंड मुशर्रफ पीरियड में ग्रोथ रेट ज़्यादा हुई है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन आप देखें, जब अयूब खान का दौर ख़त्म हुआ, हम देखते हैं ईस्ट पाकिस्तान अलग होता है, रीजनल प्रॉब्लम्स होते हैं। जब ज़ियाउल हक के दौर के दरमियान सिंध उठता है, पंजाब और ज़ियाउल हक और फौजी हुकूमत के ख़िलाफ़, सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट, इकोनॉमिक अनरेस्ट ख़ासतौर पर सिंध में शुरू होता है, बहुत उभरता है। हम देखते हैं ज़ियाउल हक के जाने के बाद फंडामेंटलिज्म का इशू जो अभी तक पाकिस्तान पर हावी है, बिल्कुल आई थिंक इट इज़ द मोस्ट सीरियस इशू इन पाकिस्तान, फंडामेंटलिज्म का इशू जो उभरा हुआ है, जो वो जो उस तरह की फोर्सेस को तकवीत मिली है, जिहादी फोर्सेस को जिस तरह की तकवीत मिली है अंडर ज़ियाउल हक, वो उभर के आता है।
मुशर्रफ के पीरियड में आप देखें बलूचिस्तान उठता है, खड़ा होता है, वो जंग हारता है। इस वक्त फ़िलहाल जो है उस रिट्रीट पर है या जो भी इश्यूज़ हैं। बलूचिस्तान का इशू पिछले साल बहुत गर्म था, नेशनल राइट्स, कालाबाग डैम का इशू अभी तक बहुत बड़ा है और सारे सूबों में है। तो बज़ाहिर जैसे मैंने आपको शुरू में कहा द नंबर्स आर बेटर, लेकिन अंदर अंदर किस तरह की आग पक रही है, किस तरह का लावा पक रहा है, ये तो जब ये हुकूमत हटेगी, जब 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 सिविलियन गवर्नमेंट आती है वाकई हकीकी, जिस तरह पाकिस्तान में जमहूरी जमहूरी हुकूमत को जमहूरियत का नाम देना भी गलत है, लेकिन ये भी सही है कि हमारे मुल्क में जिस तरह के हालात बने आए, जिस तरह की एजेंसीज ने काम किया, जमहूरियत पूरी तरह आगे नहीं आई है। तो हमारे यहाँ जमहूरियत, इट्स ऑलवेज बीन अ वीक डेमोक्रेसी। तो जब उस तरह की जमहूरियत आती है तो उनको वो वाले इश्यूज संभालने पड़ते हैं जो हम देखते हैं कि फौजी हुकूमत के दौर में वो दबा सकते थे। देखिए आप देखें कराची के जो मसाइल थे वो जमहूरी के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, ख़ास तौर पे 88, 90, 93 के बाद उभर के आए, लेकिन वो पैदा हुए थे 80s में ज़ियाउल हक के पीरियड में। तो ये कहना कि अगरचे मईशत बेहतर सूरत हाल दिखाती है, बिल्कुल दिखाती है, लेकिन जो दबाया जाता है समाजी कुवतों को, सोशल जो एक ट्रांजिशन होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो सिर्फ उस वक्त ऊपर आता है जब उसको इजाज़त होती है इसका इजहार होने की, और वो सिर्फ जमहूरी हुकूमतों के वक्त आता है। इस वजह से हमें लगता है कि जमहूरियत पाकिस्तान में फेल हो गई। फेल जो हुई है वो फौजी हुकूमत होती है और वो उसके पास पावर होता है द पावर ऑफ द गन, और वो दबा के रखता है सारी कुवतों को, जिसको एक नेचुरल प्रोसेस के सामने उभरना चाहिए, लेन देन होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। ये बुनियादी वजह है। जैसे सब सोशल डेवलपमेंट पे, सोशल सेक्टर पे आपने काफ़ी काम किया, पिछले दिनों आपकी बुक भी आई थी उस पर। आप अप्रिशिएट नहीं करते मुशर्रफ हुकूमत को जो 200 अरब से ज़्यादा खर्च कर रही है सोशल डेवलपमेंट पे, डेवलपमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर पर? पाकिस्तान की हेल्थ सेक्टर पे हमारे जीडीपी का जो हिस्सा है वो 0.7%, यानी 1% से भी कम खर्च होता है। हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है उस पर 2.4% होता है जीडीपी के। जब तक ये 4 या 5% नहीं होगा तो उस वक्त तक पाकिस्तान जो है ना मलेशिया और थाईलैंड और बल्कि श्रीलंका भी नहीं बन सकता। जब तक सोशल डेवलपमेंट पे आप डिफेंस बजट कम नहीं करेंगे, और डिफेंस बजट कम करके जो अभी तक 5% है ऑफ जीडीपी, पाकिस्तान मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज़ अमंग्स द टॉप 20 हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ इट इज़, बट एक ज़माने में 8 नंबर 8 थे, अब हम थोड़े गिर के अब 13-14 हो गए, बट वी आर स्टिल अमंग्स द टॉप परफॉर्मर्स इन एक्सपेंडिचर ऑन द मिलिट्री बजट, मिलिट्री डिफेंस सेक्टर इन एज परसेंट ऑफ जीडीपी। तो ये हमें याद रखना है, अगर हम डिफेंस एक्सपेंडिचर कम कर दें और हम हेल्थ, सैनिटेशन, सीवरेज और एजुकेशन पे लगाएं, तो ये हम फिर आगे वाकई 21वीं सदी में जा सकते हैं। अभी तक हम पता नहीं, कुछ हिस्से हमारे 18वीं सदी में बैठे हुए हैं, कुछ हमारे इतने बैकवर्ड हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, तालीम नहीं है, पुराने अजीब किस्म के ख्यालात हैं लोगों के। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए तालीम, सेहत, कम्युनिकेशन, इस पर खर्च करना ज़रूरी है। कुछ साल पहले आपकी एक मजमून, एक आर्टिकल छपा था आपका एक अखबार में, आपने कहा था कि जो उन्हीं दिनों में, बल्कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक स्पेशली आईएमएफ का जो स्ट्रक्चरल रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम था वो चल रहा था पाकिस्तान में, आपका कहना था कि पाकिस्तान को लैटिन अमेरिकनाइजेशन हो रही है पाकिस्तान में, उससे क्या मतलब था आपका? लैटिन अमेरिका में 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये है, हुई थी और हुई है, एक तो ये कि फौज वहाँ पे काबिज थी, और पाकिस्तान अब देखिए कोई 10 साल पहले तक लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, आप देख लें, पिनोशे था, फना था, ये फौज जो थी बाकायदा काबिज थी। और लैटिन अमेरिका का एक और अहम हिस्सा है कि वहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ हुई है, और पाकिस्तान में भी हम देखते हैं साउथ एशिया से, हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से कहीं ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुई है, जो शहर जो बने हैं वो ज़्यादा तेज़ से बने हैं। तो एक वो पहलू था। तीसरा पहलू जो था लैटिन अमेरिकनाइजेशन का, वो ये था कि लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है वो अमेरिका के अंगूठे के नीचे है, और पाकिस्तान भी अमेरिका के अंगूठे के नीचे है। हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, एजुकेशन पॉलिसी होगी, करिकुलम पे जो बात होती है, मदरसों पे जो बात होती है, वो अमेरिका की लाइन आती है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो एक तो फौज का रोल बहुत नेगेटिव रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने में, तोड़ने में, ख़रीदने में लोगों पे, और हमारे जो एक आवाम है, ख़ास तौर पे आप समझ लें सियासी सियासी सोच रखने वाले, उनमें एक खसूसियत रही है कि वो कुर्सी के ख्वाहिश के लिए, वो उनके कोई असूल नहीं होते, वही
लोग जो कुछ साल पहले फौज के खिलाफ थे आज फौज के साथ हैं, वही लोग जो नवाज शरीफ के साथ थे अब वो नवाज शरीफ के खिलाफ है, जो बेनजीर पीपल्स पार्टी के साथ थे अब वो उनके खिलाफ है, बहुत सारे कुछ सर, तो रह गए। वो तो एक क्लास होगी ना, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, राइटर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। मेरा ख्याल है वो सब एक हमारे जो एक मैंने इस पे एक मजमून लिखा था, द पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, कि पाकिस्तान में जो सियासी है रंग है वो बिल्कुल अपॉर्चुनिस्टिक है, जिसको भी मौका मिलता है, जिस पार्टी से भी ताल्लुक होता है, वो बहुत आराम से खरीदा जाता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई मास बेस्ड पार्टीज जो है बाकायदा जो रूट्स बना सकी, इस तरह की नहीं हुई है, मुख्तलिफ तरह की हैं और बहुत आप समझ लें गलत तरह की भी हैं, लेकिन इस तरह की नहीं है जो आवाम में जाके सोशल इश्यूज को और सोच को उजागर कर सके, जिसको आप कह दें इनलाइटेंड सोच को, इनकलाबी सोच को, सोशल हवाले से लोगों को आगे ले जा सके। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो थे एक ज़माने में, आप सिंध में भी शोभो ज्ञान चंद गांधी थे, कम्युनिस्ट पार्टी थी, मजदूर किसान पार्टी थी, इस तरह की पार्टीज थी, लेकिन वो जिस तरह काम करती थी वो आवाम में रूट्स नहीं बना सके। एक और मसला सिंध का, ख़ास तौर पे ये उर्दू और सिंधी का जो मसला है, मुहाजिर जिन्हें कहा जाता है, उर्दू स्पीकिंग और सिंधी, वो एक मसला रहा है, उससे भी मेरे ख्याल से बहुत सिंध की सियासत पर बहुत नेगेटिव असरात पड़े हैं। और वो एक मास बेस्ड पार्टी अगर कोई बनती भी, वो भी कहा जाता है कि नहीं ये सिंधी पार्टी है या ये मुहाजिर पार्टी है या पाकिस्तान के लेवल पे। और मेरा ख्याल है कि ये जो कौमों का, कौमियतों का लसानी इलाकाई मसला जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर रहा है, उसने भी कोई कोई नेशनल लेवल पे पार्टी नहीं बनने दी। मेरा ख्याल आखिरी जो मास बेस्ड पार्टी पाकिस्तान में बनी थी वो पीपल्स पार्टी थी, वो जो मूवमेंट चली थी 1960s में, उसके बाद हम नहीं देखते कि कोई बड़े पैमाने पे कोई ऐसी पार्टी बनी हो जो एक इनकलाबी पार्टी हो। एक और चीज़ जो हुई है, जाहिर है दुनिया में सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, एक जो लोग सोशलिज्म का नारा देते थे, एक उनके पास एक रास्ता होता था, वो अब नहीं रहा, तो सारी सियासत, मईशत, सोच, वो भी उसमें भी तब्दीली आई है। असल काम ये होना चाहिए कि अब आप देखें क्यूबा की मिसाल देखें, क्यूबा के जो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं जिसका आपने जिक्र किया था, वो ऐसे हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उससे कहीं बेहतर अच्छा है। ऐसे लिटरेसी रेट 98%, हेल्थ, आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लें, आप तालीम के जो भी वो आप देख लें इंडिकेटर्स, दे आर फार बेटर देन अदर कंट्रीज जहाँ पे इस तरह की हुकूमतें नहीं हुई। तो यानी मेरा ये ख्याल है कि लैटिन अमेरिका का जो मॉडल है उसमें ख़ास चीज़ ये रही है कि जो लोग वहाँ पे लेफ्ट मूवमेंट के साथ थे उन्होंने क्यूबा को एक मॉडल बनाया आई है, सी और हमारे यहाँ उस तरह का मॉडल नहीं है, और ये एक बहुत यू बड़ी थिंक वो वीकनेस है, इंस्पिरेशन बहुत बड़ी, हमारे यहाँ वी डू नॉट हैव दैट इंस्पिरेशन। इस तनाजुर में देखा जाए तो फिर तो इंडिया के अंदर जो केरला और वेस्ट जी जी बंगाल का बिल्कुल एग्जांपल है, बिल्कुल, उसका असर तो इंडिया के बाकी प्रोसेस में नजर नहीं आता, वहां तो आप बीजेपी देखें इस वक्त जो जो कांग्रेस पार्टी है, मनमोहन सिंह है, वो हुकूमत में नहीं होते अगर लेफ्ट पार्टीज नहीं होती इस दफ़ा। यानी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी जो इलेक्शन हुए थे 2004 में हिंदुस्तान में, लेफ्ट पार्टीज को 68 सीट्स मिली है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स नेशनल इलेक्शन में, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स दे हैव एवर वन। तो बीजेपी का जो रोल था उसका ये एक जवाब है, ग्लोबल एंटी ग्लोबलाइजेशन स्टैंड जो लिया है, एंटी प्राइवेटाइजेशन स्टैंड लिया है, ये लेफ्ट पार्टीज ने लिया है। आज की कांग्रेस पार्टी हुकूमत में नहीं होती अगर लेफ्ट पार्टीज उनके साथ नहीं होती। एक बात जो आ रही है सामने, सोशलिस्ट जो साबिक कंट्रीज हैं या अभी आप लोग तो उनको समझते हैं कि एक सोशलिस्ट मार्केट की बात की जाती है, तो मार्केट तो लिबरल इकोनॉमी में हो सकता है, सोशलिज्म में भी मार्केट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकती है, बल्कि मेरा ख्याल है कि अब ये मेरा ख्याल है सोशलिज्म कोई चीज़ नहीं है इस वक्त दुनिया में, सोशलिस्ट जो मॉडल था वो फेल हो गया, इसमें कोई शक नहीं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ प्राइवेटाइज कर दें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी मार्केट बिल्कुल खोल दें कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम सारी चीज़ों की इजाज़त देते हैं। ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं इवन इंडिया, जो मैं कहता हूँ कि अगरचे वो लिबरलाइज कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे इतनी स्ट्रांग एक लेफ्ट विंग मूवमेंट है, ये कम्युनिस्ट मूवमेंट है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट है बहुत बड़ी, वो कंट्रोल कर पाती है कि भाई इस हद तक हम जाने के लिए तैयार हैं, इतनी लिबरलाइजेशन सही है, इससे ज़्यादा नहीं। उसकी वजह यह कि वो अपने अपने हकूक को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जहाँ तक सोशलिस्ट, मेरे ख्याल कोई मार्केट महदूद नहीं हो सकती, सारी दुनिया इस वक्त ग्लोबलाइजेशन में सारी दुनिया को, सारे मुल्कों को हिस्सा लेना है, दे हैव टू ट्रेड, आप चाहे वो चाइना हो जिसको जो एक ज़माने में कम्युनिस्ट था अब नीम कम्युनिस्ट है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे क्यूबा हो, चाहे दूसरे मुल्क हो, उनको सब
सारी आलमी मंडी में सबको ट्रेड करना पड़ेगा, कोई महदूद मार्केट आप नहीं बना सकते। ये और बात है कि आप इस तरह की पॉलिसीज़ ला सकते हैं अपने मुल्कों में, जो आपका जो जो ऐसा तबका है जिसको ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, आपकी जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने मुल्क के मफाद में आप पॉलिसीज़ अपना सकते हैं। तो एक सोशलिस्ट मार्केट ऐसा सच नहीं होगा, लेकिन ये सारे जो नए नए आज़ाद सोवियत यूनियन से मुल्क जो अलग हुए हैं वो अभी तक सोवियत यूनियन के मॉडल के अंदर ही है। वहाँ पे अभी कोई इस तरह की लिबरलाइजेशन वगैरह नहीं हुई, बल्कि हम ये देखते हैं कि जितनी लिबरलाइजेशन हुई उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इन मुल्कों में, अभी तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सके। तो सोशलिज्म आपके ख्याल में मतलब वो फेल हो गया? मेरे ख्याल में फेल हो गया, बिल्कुल वो फेल हो गया। जिस तरह का सोशलिज्म था वो फेल हो गया, जिस तरह का बिल्कुल। अब एज एन आइडियल एक ऐसा, मैं तो समझता हूँ कि हमें कम अज़ कम मुझे ऐसे निज़ाम की तरफ है, हमारे और दोस्त हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं दुनिया में, उनको ऐसे निज़ाम की तरफ जाना चाहिए जिसमें बराबरी हो, हर एक को मौका मिले। ये नहीं कि मैं अगर अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ तो मुझे ही मौका मिलेगा, जो 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 नीचे जो लोअर क्लास है या उस तबके के लोग हैं जिनको मौका नहीं मिला क्योंकि मेरे बाप के पास अगर पैसा है, अगर मैं वडेरा हूँ तो बस मैं ही वडेरा शाही करता रहूँगा। मेरे ख्याल है एक मुनसिफाना निज़ाम की हमेशा ज़रूरत रहेगी और उसकी ख्वाहिश रहेगी। अब लेकिन क्लासलेस सोसाइटी, वो मेरे ख्याल क्लासलेस, लेकिन अब देखिए इस वक्त एक वर्ल्ड सोशल फोरम होता है जो कराची में होने वाला था लेकिन जलजले की वजह से वो पोस्टपोन हो गया, 2 महीने के बाद होगा, मार्च में होगा, जनवरी की 20 तारीख को होना था। एक सारी दुनिया में एक एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट है, अमेरिका में भी है, सियाटल में आपको याद होगा 3-4 साल पहले बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, प्राग में हुआ है, बैंकॉक में हुआ है, सारी दुनिया में, दोहा में हुआ है, सारी दुनिया में इस वक्त एक एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रो पीपल मूवमेंट है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे वो और जगहों पे हो। उससे यही जाहिर होता है कि ये जो सरमायादाराना निज़ाम है और ख़ास तौर पे अमेरिका का जो निज़ाम है, खास इसे देखें इकोनॉमिक्स, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं इकोनॉमिक्स और फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिक्स अलग नहीं हो सकती। जब आप कहते हैं कि फला शख्स इकोनॉमिस्ट है, तो इस वक्त अमरीका जो है वो इराक पर इसलिए इसने कब्ज़ा किया, ये नहीं कि वो जमहूरियत लाना चाहता, ये इसलिए कि वो तेल पे कब्ज़ा करना चाहता, जो उसने कर लिया। उसने सेंट्रल एशिया पे कब्ज़ा किया, ये नहीं कि वहाँ पे उसको इस्लाम या ताजिकिस्तान से ज़्यादा दिलचस्पी, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ज़खायर हैं तेल के जो अभी तक टैप नहीं है। इट वॉन्ट्स टू कंट्रोल द ऑयल सप्लाईज ऑफ द वर्ल्ड। तो उसकी जो पॉलिटिक्स है या फॉरेन पॉलिसी है इस वक्त जो है वो दुनिया में ऐसे इलाके पर कब्ज़ा करने की है जहाँ पर वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। तो सारी दुनिया में इसी तरह से एक लहर उभरी है अगेंस्ट वर्ल्ड डोमिनेशन ऑफ अमेरिका, एंटी अमेरिकन, एंटी ग्लोबलाइजेशन एक 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 सोच है। और ये कि इस वजह से लोग मारे जाते हैं, कत्ल होता है, जंगें होती हैं, न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है, तो उसको काउंटर करने के लिए दुनिया में एक मूवमेंट है, अगरचे इतनी बड़ी नहीं है इस वक्त, लेकिन एक ऐसी मूवमेंट है, एक सोच है जो ये कहती है कि हमें और मुनसिफाना निज़ाम चाहिए। ये नहीं कि सब बराबर हो, वो मेरे ख्याल है वो कम्युनिज्म या वो आइडियलिज्म वो अब ख़त्म हो गया, लेकिन कम से कम इस्तेसाल कम होना चाहिए। ये देखिए कार्ल मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, माओ वगैरह, इन्होंने थियराइज़ किया था, इन्होंने कहा था हमारा निज़ाम इस तरह का होगा, वो नहीं कामयाब हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस तरह के लोग मौजूद नहीं हैं जो चाहते हैं कि ज़्यादा मुनसिफाना निज़ाम हो, यानी इनइक्वालिटी, गैर मुनसिफाना निज़ाम ख़त्म किया जाए, लोगों को मौके मिले जाएँ, लोगों को अपने हकूक मिले, वो अभी तक आवाज़ है और मेरे ख्याल है वो हमेशा रहेगी। चाइना के हवाले से आपने भी बात की, वहाँ पे जो खुद मार्क्सिज्म के कुछ लोग हैं, टाटा स्काई वगैरह जिनको कहते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे जी स्टेट कैपिटलिज्म है, रेवोल्यूशन सच है नहीं, कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका और वेस्ट कहता है कि चाइना उभर रहा है, तो चाइना को थ्रेट के तौर पर क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि चाइना जो है आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया पे कब्जा कर रहा है, इकोनॉमिकली कर रहा है इस वक्त। सिर्फ उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ईरान में, इराक में क्या हो रहा है, दूसरे मुल्कों में, कोई नहीं, उनको सिर्फ ये है दे आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमी, और उनके पास ज़ाहिर है न्यूक्लियर पावर है, मिलिट्री माइट है, सब कुछ है, लेकिन इस वक्त उनकी कोशिश ये है टू इमर्ज एज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी, और टू बाद China will be a bigger economy than Japan, than European Union, than the United States. और ये जो सदी है जो कहा जा रहा है, मेरे ख्याल लोग कहते हैं एशियाज सेंचुरी, मेरे ख्याल दिस इज गोइंग टू बी द चाइनीज सेंचुरी। चाइना विल इमर्ज एज इन अबाउट 40 years, 50 years, जब आप और मैं शायद ना हो, चाइना विल इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। नाज़रीन ऐसा नहीं गाल बोलना चाहिए, असी वठो नडी ब्रेक असा सा गड़ रहे जो
पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि जी आईएमएफ अब तो आउट है मुल्क से, पाकिस्तान में है नहीं। फिर आप समझते हैं कि आईएमएफ और आलमी बैंक जैसे सारे पाकिस्तान की मईशत पर या पॉलिसी मेकिंग पर किस तरह अंदर असरअंदाज होते हैं? मुकम्मल कब्जा है उनका। आप देखें, हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक कभी रिटायर हुए वो वर्ल्ड बैंक से आए थे। आप हमारे कई मिनिस्टर ऐसे हैं जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से छोट कर आए, क्योंकि उनको मिनिस्ट्री का ज़्यादा शौक था। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो सिटी बैंक के मुलाजिम वो छोड़ के आए थे। तो उनको ये इस तरह की जो ये जो सोच है ना, ये आती है। अच्छा, अब एक तो होता है कि एक फॉर्मल एक स्ट्रक्चर है कि उनको आप क्या कहें कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक मुदाखलत कर रहे हैं, लेकिन अब वो स्टेज आ गया कि उनको मुदाखलत की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी पॉलिसीज यहाँ अपनाई। प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ओपननेस, सोशल सेक्टर्स पे कम खर्चा, मार्केट इकोनॉमी, ये सारे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ख्याल हैं जो हमारी सोच पर, जो पढ़ाया भी यही जाता है, लोगों को समझाया भी यही जाता है। कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनता है तो यही ख्याल अब हावी होंगे। तो ये अगरचे आईएमएफ से हम शायद कर्जा नहीं ले रहे इस वक्त, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, जी, और वो जो कर्ज है एशियन डेवलपमेंट बैंक वो से भी ले ले रहे रहे हैं। हैं। हाँ, ये सारे जो है, इनकी सोच एक ही है, ओपननेस, लिबरलाइजेशन, ये सारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या वो बेहतर है आईएमएफ से? मेरा ख्याल है कि सब एक ही है, इसमें कोई इतना कोई बड़ा फर्क नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक अगर एशिया में जापानी उस पर उसको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम समझते हैं कि चलो ये हमारे दोस्त हैं, शायद इस वजह से हम इनको बेहतर समझते हैं, लेकिन शराइत वही होती है, पॉलिसीज वही है। और एक्चुअली इस वक्त दुनिया में यही एक सोच है। ये भी कहना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ने जिस तरह दुनिया का एक इकतसादी नफसियाती खाका खींचा है, अब वो दुनिया पे हावी है। अब ज़रूरत नहीं रही आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की, वो अपना काम कर चुके। अब हमारे जो मिनिस्टर बनेंगे या जो मिनिस्टर हैं या इस तरह, वो भी वही कहते कहते हैं प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब आईएमएफ उनको कुछ नहीं कह रहा है बराह रास्त, लेकिन अब उनकी सोच भी वैसे बन गई है। अगर वो प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी तो आप क्या समझते हैं कई जैसे इदारे, पाकिस्तान स्टील मिल जैसे इदारे जो बैंकरप्ट हैं पहले ही? मेरा ख्याल है कि आप बेहतर मैनेजमेंट के साथ बहुत सारे बुनियादी मसाइल हल कर सकते हैं। अगर आप इनको पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड जो इश्यूज होते हैं, देखिए प्राइवेट सेक्टर बजाते खुद बेहतर नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी बहुत बड़ी फर्म्स कोलैप्स कर जाती हैं। अब आपने, जब आप छोटे होंगे, मैं छोटा था, पैन एम एयरलाइन होती थी, पैन अमेरिकन एयरलाइन, वो कोलैप्स होगी। TWA होती थी, सब प्राइवेट सेक्टर, वो कोलैप्स होगी। अमेरिका की सबसे बड़ी वो क्या थी फर्म, वर्ल्ड कॉल या कोई ऐसा नाम था, जो 2-3 साल पहले जी हाँ कंप्लीट, जी हाँ जी हाँ जी वो कोलैप्स होगी। प्राइवेट सेक्टर में भी वही मसाइल होते हैं जो पब्लिक सेक्टर में होते हैं। पब्लिक सेक्टर में, सिंगापुर में, कोरिया में, दूसरे मुल्कों, पब्लिक सेक्टर में बहुत इफ़िशेंटली भी काम करते रहे। मेरा ख्याल है ये पब्लिक प्राइवेट का इशू नहीं होता, ये होता है मैनेजमेंट का होता है, ये इंसेंटिव्स का होता है। आप देखें PTCL, जिसको प्राइवेटाइज की, सो अभी तक पता नहीं हुई है या नहीं हुआ है, उसमें क्या घपले हो रहे हैं वो अभी सामने नहीं आए, लेकिन हमारी हुकूमत हर तरह की कोशिश करी कि वो प्राइवेटाइज हो। प्राइवेटाइजेशन से पहले PTCL वॉज अ प्रॉफिटेबल एंटिटी, उसको उन्होंने टर्न अराउंड कर लिया था। ये इट वॉज विद इन द गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर में थी, टर्न अराउंड करते। राइट ये सब दो क्वेश्चंस मजीद कहूँगा आपसे पूछूंगा। एक तो आपने कहा, आपकी किताब भी आई न्यू पैराडाइम, न्यू डेवलपमेंट पैराडाइम की आपने बात की, इसमें एनजीओ, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, उसको आप मतलब वो क्या है? देखिए, तो उसमें दो तीन चीज़ें। एक तो ये है कि जमहूरियत हर लेवल पे होनी चाहिए। जमहूरियत पंचायत से लेके, लोकल गवर्नमेंट से लेके, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लेके, फेडरल गवर्नमेंट तक होनी चाहिए, और हर तरह पे इट शुड बी, यू शुड हैव पार्टिसिपेशन। दूसरा, ये मेरा ये ख्याल है, जब तक आप खुद मुख्तारी नहीं देंगे सूबों को, डिस्ट्रिक्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियल वो खुद मुख्तारी नहीं देंगे, तो उस वक्त तक कोई तरक्की वगैरह नहीं हो सकती। इस वक्त सिविल खुद सोसाइटी मुख्तारी से मतलब डिस्ट्रिक्ट्स को खुद और ऑटोनोमस, मुख्तारी, यानी कि इस वक्त भी जो उनको उनको पैसे मिलते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो निज़ाम है मेरा ख्याल है फेल हो चुका है। ये खास तौर पर हम उन इलाकों में देखते हैं जहाँ जलजला आया था, वहाँ पर तो बिल्कुल इस वाजे हो गया कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निज़ाम, जो मुशर्रफ हुकूमत का आप कह दें एक फेदर इन देयर कैप था, इट हैज़ फेल्ड, इट हैज़ फेल्ड मिजरेबली। बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट, वो तो हमेशा चलते रहेंगे, लाहौर, कराची वगैरह, उनको कोई पैसों का मसला नहीं है, बिकॉज वो काफ़ी खुद मुख्तार हैं फाइनेंशियली। मेरा ये ख्याल है कि जब तक आप ज़्यादा ऑटोनोमी नहीं देंगे सूबों को और डिस्ट्रिक्ट को, फाइनेंशियल ऑटोनोमी, ऑटोनोमी
आप खुद मुख्तारी देंगे कि वो अपने फैसले खुद कर सके, उसमें ऊपर से मुदाखलत ना हो, ना फौज की हो, ना फेडरल गवर्नमेंट की हो, तो ये बुनियादी मसाइल नहीं होंगे, हल होंगे। न्यू डेवलपमेंट पैराडाइम का मतलब ये है कि जो ऊपर से सारा कुछ जो होता है ना, सेंट्रलाइज स्टेट जो पाकिस्तान में जो फौज के अंडर होता है, उसको तोड़ा जाए और उस नई तरह के आप समझ लें कुव्वतें उभरें जो अपने लेवल पर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो डिवीज़न हो, चाहे वो प्रोविंशियल हो, वो ज़्यादा खुद मुख्तार हो, वो टैक्सेस खुद लगाएं। जिस तरह के आपको याद होगा आज से शायद 4-5 ये मुशर्रफ गवर्नमेंट से पहले सूबे सरहद NW, उन्होंने कहा था हम अपना नाम पख्तून सूबा पख्तूनख्वा रखना चाहते हैं, तो उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि आप नहीं कर सकते। जब एक नाम बदलने के लिए इतनी इंटरफेरेंस होती है फेडरल गवर्नमेंट से, तो बाकी काम किस तरह होंगे। तो न्यू डेवलपमेंट पैराडाइम का मकसद और मतलब ये है कि सिविल सोसाइटी जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा असर्टिव हो, फौज बिल्कुल बिल्कुल उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए मुल्क की किसी तरह की पॉलिटिक्स से, ना इंटरफेरेंस वो करें जिस तरह से वो करते हैं, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, और लोगों को अपने हकूक और अपनी पार्टिसिपेशन ज़्यादा मिलनी चाहिए। आपने काफ़ी साल पहले, आई वुड से कि अराउंड 5-10 ईयर्स बैक, आपने एक मजमू लिखा था, बड़ा तहकीकी मकाला, बड़ा मशहूर भी हुआ था, वेरी इंटरेस्टिंग भी था, सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्श भी था, कुछ लोग खुश थे कुछ नहीं थे, सिंधी वर्सेस मुहाजिर आपने जो मकाला लिखा था, उसको इस मसले को अब आप कैसे देखते हैं, अब जबकि सिंध हुकूमत में MQM और सिंध के जो मुस्लिम लीग हैं और कुछ लोग साथ हैं, पीपल्स पार्टी जो मेजर पार्टी सिंध में समझी जाती है, जो इंटेलेक्चुअल्स वगैरह भी उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं इस पार्टी के हवाले से, बाकी तो सब सारे फ्यूडल समझे जाते हैं, तो ये दोनों कुव्वतें जो हैं साथ आ रही हैं, तो आप क्या देखते हैं इस मसले को, देखिए हैज इट रियली रिजॉल्व्ड? मेरा तो ख्याल है कि सिंध का आप समझ लें कम से कम दो टुकड़े हो चुके हैं, जो मुहाजिर उर्दू स्पीकिंग सिंध है और सिंधी सिंध जो है, सिंध या असल जो सिंध जिसे जिसके नाम से आपका टेलीविजन स्टेशन और जो सिंध है, मेरा ख्याल है उसमें आप मिलने की उम्मीद अब कम नज़र आ रही है। सिंधी वर्सेस मुहाजिर जो था वो यही था कि सिंध में जिस तरह मुहाजिर आए 1947-51 में आए, और आहिस्ता आहिस्ता ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह वो थे और उनको कब्ज़ा करने का मौका मिला था मुल्क की इंतज़ामिया पर, उससे सिंध के जो दो आप कह रहे हैं जो ग्रुप्स थे, या जो एक जो सिंध सिंध कौम सिंधी कौम और मुहाजिर जो वहाँ से आए थे बसने, उनमें बहुत सारे इख्तलाफात पैदा हो गए थे। मेरा ख्याल है कि सिंध के ये जो इख्तलाफात है ये फ़ौज ने पैदा किए थे उस वक्त इन द 1979-80 जब ज़ियाउल हक का दौर था। हम देखते हैं कि उस वक्त ये उभर के ज़्यादा उभर के आए थे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ौज डायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी, और जिस तरह की हैदराबाद में वो पक्का किला और जिस तरह यहाँ पे सोहराब गोट में और जिस तरह के जो इशूज़ उभरे थे, मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान के शहरी खुद अपने तौर पर पैदा कर सकते थे। वो उस तरह के कंट्रोवर्शियल इश्यूज, जिस तरह के लोगों को मारा गया था, जो कराची के हालात थे और सिंध के हालात थे और हैदराबाद के हालात थे, वो उस तरह के नहीं थे कि इसमें इंटेलिजेंस की और एजेंसीज नहीं शामिल थी। और मेरा ये ख्याल है कि सिंध की तकसीम जो की गई है ये हमारी इंटेलिजेंस और ये इस तरह की एजेंसीज ने की है, और ये इनकी इनकी पॉलिसी ये रही है तकसीम दर तकसीम। अब शायद ये मुमकिन है अगर इसको कराची के लोग उर्दू मुहाजिर मैं उर्दू स्पीकिंग और सिंध के जो लोग हैं सिंधी, अगर उनमें किसी तरह की इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल कोऑपरेशन, सोशल कोऑपरेशन हो सकती है, फिर ये मसला हल हो सकता है। लेकिन हमेशा ये डर रहता है कि ये जो तफरीक पैदा की गई है, आई डोंट थिंक दिस इज़ नेचुरल। ये मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा एक मॉडल बन सकता था, मलेशिया में जैसे एक है कि मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप साथ रहते हैं, दोनों को मौका मिलता है, लेकिन ये जिस तरह क्रिएट किए गए हैं प्रॉब्लम्स, मेरे ख्याल है ये प्रॉब्लम्स अभी तक एग्जिस्ट करते हैं और ये अभी हल नहीं हुए। अभी ये आर्जी तौर पर यहाँ पे सुकून है और आर्जी तौर पे शायद, मेरा ख्याल है उम्मीद तो ये है कि मुस्तकिल हो जाए, लेकिन पता नहीं किस हद तक होंगे। एक जो कराची और हैदराबाद से उर्दू स्पीकिंग जो इलेक्टेड MNAs MPAs आते थे, जिस तरह पहले जमात इस्लामी वो समझ जाती कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, MQM का जो इमेज रहा कि वो सॉर्ट ऑफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, बड़े किताबें तकरीरें होती थी, लेकिन मुशर्रफ के आने के बाद लगता है कि उनकी फिर वो एक सॉर्ट ऑफ अलायंस है जो जिसको जो अनईजी भी नहीं लगता, पहले लगता था कि शायद प्रॉब्लम्स हों को आगे चल के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कालाबाग डैम का मसला सिंध के हवाले से की जाती है, लेकिन मुतहदा उस पर भी
لگتا ہے کہ اس سارٹ آف انکلائن ٹوورڈ دی گورنمنٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک زیادہ تھا کہ جی ایم کیو ایم سندھ کے حوالے سے کوئی بات کرے گی صوبے کی خود مختاری اور معاشیہ کو کی, لیکن وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی سندھ میں کوئی قوت ایسی ہے اس وقت جو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سندھ کے حقوق, چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو, چاہے یہاں پہ پنجابی بستے ہیں, چاہے وہ پختون ہو, چاہے جو کوئی بھی ہو سندھی ہو, ان کے جینوئن نیڈس کو وہ آگے سینٹر سے لے سکے. میرا خیال ہے کہ چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے سندھی, ایون میں تو کہتا ہوں سندھی نیشنلسٹ فورسز بھی ہیں, وہ بھی اب سندھ کی بات نہیں کر رہے, وہ بھی اب مل کر سب مل ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. اور جو تحریکیں چلی تھیں سندھ کی 83 میں ایم آر ڈی کے حوالے سے, 86 میں, اب وہ نہیں نظر آتی کہ سندھ کی آواز پھر دوبارہ ابھرے گی, چاہے وہ کوئی بھی فورس ابھارے. اب زیادہ تر سیاست اپورچونزم کی ہو گئی ہے کہ جو بھی چاہتا ہے کہ سینٹر کے ساتھ صلح کر لو اور اس کے ساتھ بہتر تعلقات بناؤ. اور اس وقت فوجی حکومت سندھ میں جتنی بھی اس طرح کی گروپس ہیں, چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو, چاہے وہ سندھی ہو, ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. جب اگر دوبارہ واقعی حقیقی جمہوریت آ جاتی ہے پاکستان میں اور خاص طور پر سندھ میں, پھر ہمیں لگے گا کہ یہ مسئلے پھر دوبارہ ابھریں گے کہ کیا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ساتھ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں. اگر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اپنے مسائل اور مسئلے اور تنازع حل کر لے, تو میں تو کہتا ہوں کہ سندھ پھر بالکل یورپ کی طرح جاگ اٹھے گا. لیکن جب تک یہ سندھی اور مہاجر کا مسئلہ اتنا نہیں ہے جتنا شاید یہ پولیٹکس کا مسئلہ ہے. ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی میں بھی اردو اسپیکنگ لوگ ہیں, ایم کیو ایم میں شاید نہیں ہیں اتنے جتنے شاید ہونے چاہیے, نام کے شاید کچھ ہوں گے, لیکن یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اگر مل کر بیٹھے ایک جگہ. 88 میں آپ کو یاد ہوگا, میرا خیال ہے کراچی کے, میں کراچی کا رہنے والا ہوں, یہیں پیدا ہوا ہوں, یہیں پہ رہنا چاہتا ہوں. 88 میں جو حالات تھے, جب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ساتھ تھی شاید 16 مہینے کے لیے, میں نے کراچی کو اتنا رونق نہیں دیکھا کبھی. اور اس کے بعد سے جو اس سے پہلے اور اس کے بعد سے جو تباہی مچی تھی, وہ میرا نہیں خیال کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے کی تھی. میرا خیال ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی اور فیکٹرز ہوں گے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ کراچی میں اردو اسپیکنگ اور سندھ کے دوسرے سندھی اور دوسرے لوگ مل کر بیٹھے. اور میرا خیال ہے کہ یہ سندھی ورسز مہاجر کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہ پولیٹیکل پارٹیز کا اور اس میں جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے اس کا مسئلہ ہے. سندھی اخبارات کو جب میں پڑھتا ہوں اور سندھی انٹلیکچوئل سے جب بات چیت ہوتی ہے, اب اسپیشلی پرویز مشرف کے آنے کے بعد, فیلنگ واٹ آئی فائنڈ امانگ دیم کہ اب جو اردو اسپیکنگ ہیں وہ زیادہ پاور میں ہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں وہ بیٹھے ہیں, سندھ گورنمنٹ میں وہ بیٹھے ہیں, دے فیل کہ جو پہلے سندھ میں جو فیلنگ تھی وہ صرف پہلے بھی کہتے ہیں جی یہ پنجابی مہاجر الائنس ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ جی مہاجر جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں. یہ ایسا کچھ ہے کہ پاکستان کی, ہم تو ایک ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو سمجھتے ہیں, لیکن یہ جو پنجابی اور مہاجر نیکسس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, is there any reality in that? میرے خیال اس میں پختون بھی شامل ہے. اب وہ پختون پنجابی مہاجر ایک نیکسس ہو گیا, کیونکہ پختون بھی بیوروکریسی میں, فوج میں, ایلیٹ میں کافی شامل ہو گئے. اب اسلام آباد اور پشاور کے درمیان 2.5 گھنٹے کا فاصلہ رہ گیا, یعنی لاہور سے کم. تو میرا خیال ہے کہ دا پختون ایلیٹ وہ بھی اس فیڈرل اسٹرکچر میں شامل ہوگی. بلوچ اور سندھی اس سے باہر ہیں بہت حد تک, یعنی ظاہر ہے سندھی بھی ریپرزینٹیوز ہیں, بلوچ بھی ریپرزینٹیوز ہیں, لیکن بلوچ بالکل اس سے باہر ہیں اور سندھی بھی اس سے باہر ہیں. اور یہ ایک ریجنل انکوالٹی کا بھی مسئلہ ہے کہ یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ملک کا امیر ترین شخص ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ انہوں نے ایسیٹس اپنے ڈکلیئر کیے تھے تو ان کے پاس ایسے ایسیٹس تھے جو شاید پاکستان میں کبھی لوگوں کے پاس, وہ تھرپارکر سے الیکٹ ہو کے آتا ہے. میرے خیال ہے یہ تو شرم کی بات ہے. تھرپارکر پاکستان کا غریب ترین ضلع اس وقت جب ڈسٹرکٹ ضلع تھا جب, اور وہاں کا جو الیکٹ ایم این اے ہو کے آتا ہے جب یہ لڑے تھے الیکشن اٹک سے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی تو ہماری سیاست ہوتی ہے کہ غریب ترین ڈسٹرکٹ سے یا کانسٹیٹیوئنسی سے امیر ترین ہمارا ممبر آف پارلیمنٹ جو باقی بعد میں جا کے جس کو پرائم منسٹر بنایا گیا تھا وہ الیکٹ ہو کے آتا ہے. تو یہ جو ریجنل ایشوز ہیں, جو ریجنل انیکوالٹی کے, یہ ابھی بہت حاوی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ جب یہ فوجی حکومت جائے گی اور جب جمہوریت آئے گی تو یہ پھر دوبارہ ابھریں گی. ناظرین, پاکستانی نامو اور اکانومسٹ ڈاکٹر سائیں اکبر زیدی صاحب جو تاں گالیں ٻدھیوں, آئی ہوپ کہ ویری انٹرسٹنگ, تاں کافی گالیوں سیوں انہاں کھاں ٻدھیوں سکھیوں. مشتاق راجپک, یس, وری ملاسی نرتے تے سائیں, اللہ بھائی.